अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके कमेंट को देखा और बहुत सारे हमारे भाई चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि ये मसला बताएं, ये मसला बताएं। तो मैंने सोचा कि हफ्ते में किसी एक दिन आपके सवालों के जवाब मुख्तसर तौर पर दिया जाए। तो इसके लिए आज मैंने 15 सवालात को लिया है और इंशाल्लाह तबारक व ताला उन 15 सवालों के जवाब आपको मुख्तसर तौर पर दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, हो सकता है आपका सवाल भी इसमें लिया गया हो। सबसे पहले एक भाई साहब ये पूछते हैं कि नमाज में आमीन आहिस्ता कहना चाहिए या बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए। तो आप इसको याद रखें, फुकहाए अहनाफ फरमाते हैं कि नमाज में आमीन इमाम को भी आहिस्ता कहना चाहिए और मुक्तदियों को भी आमीन आहिस्ता कहना चाहिए। नमाज में ऊंची आवाज़ से आमीन कहना ये खिलाफ़ सुन्नत है और मकरूह तनज़ीही है, लिहाजा इमाम और मुक्तदियों को आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहना चाहिए, बुलंद आवाज़ से नहीं कहना चाहिए। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि कादियानी से मेल जोल रखना कैसा है। कादियानी कौन होता है? सबसे पहले आप इसको समझ लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने कि माज़ अल्लाह नबूवत का दावा किया और उसके मानने वाले को कादियानी कहा जाता है। तो इनका पूछना है कि कादियानी से मेल जोल रखना ये कैसा है। तो आप इसको याद रखें कि कादियानी और इसी तरीके से वो लोग जो इस तरह का अकीदा रखते हैं कि मिसाल के तौर पर नबूवत का दावा करे, या वहाबिया दयाबना, ये खबीस लोग जो हैं और इस तरह के कुफ्रिया अकायद की वजह से काफिर व मुर्तद हैं, उनसे किसी शख्स के साथ मेल जोल रखना और उसके साथ खाना पीना ताल्लुक़ रखना, उसकी गमी खुशी में शरीक होना, उसको अपनी गमी खुशी में शरीक करना, ये नाजायज़ व हराम है। इसी तरह उनमें से किसी को उस्ताद बनाना या बच्चों को उनसे पढ़वाना, ये भी नाजायज़ व हराम है, लिहाजा उनके साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। इसी तरीके से एक भाई साहब ये पूछते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ करना कैसा है। ये माह मुहर्रमुल हराम चल रहा है और इसमें बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था और उसने चूँकि ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से झगड़ा किया, लड़ाई किया, तो इसके सिलसिले में लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं। तो इसी बारे में इनका पूछना है कि हज़रत अमीर मुआविया को बुरा भला कहना ये कैसा है। आप याद रखें, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ करना या आपसे सूए अकीदत रखना बद मजहबी और गुमराही है और इस्तेहकाक जहन्नम है। जो शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली देता है तो उसका गाली देना ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है और ये बहुत ही बदबख्ती की बात है। इसलिए कि अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम उनमें से जिसके भी इक्तदा करोगे तुम राह रास्त पर रहोगे। और इसी तरह अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कुल्लुहुम अदूल, कि मेरे तमाम के तमाम सहाबा जो हैं ये आदिल हैं, लिहाजा उन पर जब भी उनका जिक्र किया जाए अदल व इंसाफ के साथ किया जाए, नेकी के साथ किया जाए, उनको गाली वगैरह ना दिया जाए। लिहाजा जब भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आए, उनका तस्किरा आए, तो बुराई के साथ उनका नाम लेना या तस्किरा करना यह नाजायज़ और गुनाह का काम है। इसलिए जो लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली देते हैं वो गुनाह का काम करते हैं। एक भाई साहब ये कहते हैं कि करामत औलिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये औलिया से जो करामतें होती हैं ये हक़ होती हैं या नहीं होती हैं। तो आप याद रखें कि ये औलिया की जो करामात हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये साबित हैं, कुरान व सुन्नत से साबित हैं, और जो शख्स इनका इनकार करे वो बद मजहब और गुमराह है। लिहाजा औलिया कराम से जो करामतें सादिर होती हैं, ऐसे काम जिस पर जो आम इंसानों के बस में नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया कराम को वो ताकत अता फरमाई है कि वो अपनी ताकत से वो चीज़ें कर दिखाते हैं, तो ये उनकी करामात होती हैं और करामात का इनकार करना बद मजहबी और गुमराही है। एक भाई साहब ये पूछते हैं कि गैस कंप्रेसर घर में लगाना ये कैसा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कभी लाइट का कंप्रेसर लोग लगाते हैं या गैस कंप्रेसर वगैरह लगाया जाता है घर में, तो इसके बारे में इनका पूछना है। तो देखें, गैस की कमी पूरी करने के लिए कंप्रेसर लगाना ये दुरुस्त नहीं है,
के खिलाफ कानून है और खिलाफ कानून काम करना ये ममनू है, मना है, लिहाजा उसकी वजह से पड़ोसियों को या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है कि उनको गैस कम जाता है, तो ऐसे सूरत में ये ममनू है, आपको इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से एक भाई साहब ये पूछते हैं कि काफिरों का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा पहनने का क्या हुक्म है। तो अब ये काफिरों का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा इनके पास कहाँ से आता है ये तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता सवाल है तो मैंने सोचा कि इसका भी आपके सामने जवाब दिया जाए। तो देखें, अगर कहीं दूसरी जगह से कपड़े आ रहे हैं और आपको शक है कि ये दूसरों का पहना हुआ कपड़ा और मार्केट में बेचा जा रहा है, तो वो इस्तेमाली कपड़ों में जब तक निजासत का कोई असर ना दिखाई दे तहारत ही का हुक्म होगा, उसको नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा। क्योंकि चीज़ों में कोई भी ऐसी चीज़ हो, असल उसमें तहारत होती है जब तक उनके नजिस होने का यकीन या जन्न गालिब ना हो जाए। अलबत्ता इस्तेमाल करने वालों को, जो लोग इस तरीके का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने से पहले धो लें ताकि इस्तेमाल करने में कोई चीज़ की हरज ना रहे और किसी तरह का उनके दिल में शक और शुबा और वसवसात ना रह जाएं। इसी तरीके से एक भाई साहब ये पूछते हैं कि गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम लिखना ये कैसा है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो देखिए, अंबिया और मलाइका अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के साथ बिल इस्तिक्लाल अलैहिस्सलाम लिखना जायज़ नहीं, अलबत्ता तबान लिखने में कोई हरज नहीं है। यानी एक नबी का नाम लिया जाए और उनके साथ उनकी बीवी हो, या एक नबी का नाम लिया जाए और उसके साथ किसी और इंसान का नाम लिया जाए, तो जो भी वली हो, तो ऐसे सूरत में तबान नाम में अलैहिस्सलाम लगाया जा सकता है और अंबिया और मलाइका के अलावा किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम ना लगाया जाए, ये सही नहीं है। एक भाई साहब ये पूछते हैं कि देखा गया है मुआशरे में जानवरों को लोग आपस में लड़ाते हैं, तो आपस में जानवरों को लड़ाना ये कैसा है, क्या ये गुनाह का काम है, या अगर लड़ाते हैं तो इस पर उनको गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं हमारे मुआशरे में, बहुत सारे बदमाश किस्म के, शरीर किस्म के बच्चे होते हैं कि वो कुत्ते, मुर्गे, बैल, बटेर, तेतर और दूसरे जानवरों को आपस में लड़ाते हैं, तो इनको लड़ाना नाजायज़ और गुनाह है, कि ये उन्हें बग़ैर किसी वजह के तकलीफ़ देना और ईज़ा पहुंचाना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनित तहरीश बैनल बहाइम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपस में जानवरों को लड़ाने से मना फरमाया है, लिहाजा ऐसे काम से बाज रहा जाए और ये काम ना किया जाए। एक आखिरी सवाल लेकर के मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगा, इसलिए कि वीडियो लंबी हो रही है। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके और दूसरे सवालात को आइंदा क्लिप्स में मैं लेता रहूंगा, आप सवाल करें और आपके सवाल के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। ये भाई साहब पूछते हैं कि नाबालिग बच्चों को वज़ू करके ही कुरान छूना चाहिए या उनके लिए भी वज़ू बनाना ये ज़रूरी है। मकतब में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, 8 साल 10 साल का होता है, तो आमतौर पर जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वैसे ही चले जाते हैं, वज़ू नहीं बनाते हैं, अम्मा पारा उनको छूना है या कभी कभी कुरान वगैरह भी छूते हैं, तो क्या ऐसे सूरत में उनको वज़ू बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप याद रखें, जो छोटे नाबालिग बच्चे नाज़रे कुरान पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए मसाजिद में आते हैं, उन्हें कुरान देने से पहले वज़ू कराना चाहिए ताकि उन्हें वज़ू का तरीक़ा भी आ जाए और उसकी आदत भी उनकी बन जाए। अलबत्ता उन पर वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, बेवज़ू भी अगर कुरान को वो छूते हैं तो छू सकते हैं, इन पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये अभी अहकाम शरा मसलन वज़ू, गुस्ल, नमाज और रोज़े के मुकल्लफ़ नहीं हैं। लिहाजा अगर वो छू लेते हैं तो ऐसे सूरत में वो गुनहगार नहीं होंगे। अलबत्ता जो उलमा उनको पढ़ा रहे हैं उनको ये खूब आदत डलवाना चाहिए कि जब वो बच्चे आपके मकतब में, मस्जिद में या मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए या इसी तरीके से छोटी किताब जो भी है उसमें भी कुरानी आयत लिखी होती हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनसे वज़ू करवाएं ताकि उनकी आदत वज़ू करने की बनी रहे, और वो फिर जब उनकी आदत बनी रहेगी, तरीक़ा मालूम हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तबारक व ताला वो समझ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह तबारक व ताला इसी तरीके से आपके सामने बहुत सारे मसाइल लाए जाते रहेंगे, आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब ज़रूर ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।